आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वाराणसी की। हड़ताल पर 84 घाटों के नाव संचालक गए हैं। नाव संचालकों ने स्थानीय प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पिछले दिनों गंगा हादसे के बाद प्रशासन ने सख्ती बरती है और आज से नगर निगम अभियान की भी शुरुआत होने वाली है और इसी कार्रवाई से नाराज बताए जा रहे हैं नाव संचालक। इसीलिए आज महापंचायत करेंगे। आज के दिन कार्य बहिष्कार किया है। 84 घाटों पर नाव का संचालन नहीं किया जाएगा, नाव नहीं मिलेगी, लेकिन आगे क्या रणनीति रहेगी इसके लिए महापंचायत। नाव पे यात्री सवार थे तो उसमें कुछ रस्सियां फंस जाने के कारण जो नाव का लकड़ी टूट गया उसमें नाव में, तो कुछ यात्री जो उसमें डूबने लगे और डूबने के बाद हमारे हमारी समाज के लोग वहां जाकर तैनात होके सभी यात्री को सुरक्षित निकाल दिया गया। उसके बाद लगातार प्रशासन हम लोगों के ऊपर दबाव बना रही है कि आप नाव आपके नाव पर लाइफ जैकेट लाइफ बोट नहीं है और लगातार हम लोग को उत्पीड़न किया जा रहा है। आए दिन घाट पर कोई ना कोई डूबता रहता है, कोई ना कोई घटना होता रहता है, तो हम पूरे हमारे समाज के लोग लगातार घाट पर मुस्तैद रहते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जितनी भी सुविधा होती है पूरे यहाँ पे यात्रियों को देते हैं हम लोग। आइए सीधा रुख करते हैं वाराणसी का। हमारे सहयोगी नीतीश हैं जो इस पूरे मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नीतीश, जरा समझाएं कि प्रशासन की तरफ से क्या सुगबुगाहट है इस पूरे मामले पर। प्रशासन क्या इन नाविकों से, संचालकों से बातचीत करने के लिए तैयार है या फिर आज का दिन नाव नहीं मिलेगी, पर्यटकों को परेशानी होगी, ऐसे ही बीतने वाला है? अपनी मांगों को लेकर जो नाविक समाज है वो पूरी तरह से जिद पर अड़ा हुआ है और स्थिति देखिए, ये नावें जब कभी सुबह होती है तो गंगा की धारा में अटखेलियाँ करती हुई दिखती थी, लेकिन आज ये शांत पड़ी हुई है और जो नाविक हैं वो यहाँ इन नावों पर बैठे हुए हैं। मीटिंग शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में जब इनके पूरे जो नाविक समाज के लोग यहाँ पहुँच जाएंगे तो इनकी मांगों को पूरी तरह से आगे रखा जाएगा। तो मांगे क्या है ये पहले जान लें। आप लोग हड़ताल पर हैं, आज नगर निगम यहाँ पर अभियान भी चलाने वाला है नाविकों को कहीं ना कहीं, तो मांग क्या है, क्या ये हड़ताल क्यों? आप बता दीजिए, आप लोग जानते हैं। अच्छा, आप जानते हैं, आप बताइए मांग क्या है। नेता तो आप ही हैं। नहीं, हम नेता नहीं हैं, मैं समाज सेवी हूँ। समाज सेवी हैं तो ये मांग क्यों, नौका बंद क्यों करनी पड़ी? नौका इसलिए बंद करनी पड़ी कि आए दिन बनारस में मतलब नौका दुर्घटना हो जा रही है, लेकिन उसमें माझी समाज कतई नहीं चाहता है कि हमारे गंगा जी में दुर्घटना हो, लेकिन नाव भी या कुछ किसी भी प्रकार का कुछ भी होता है, नाव माझी ही जाते हैं, जाकर बचाते हैं, लेकिन उनके ऊपर गलत आरोप लगा के उनको उत्पीड़ित किया जाता है और लात जूतों से मारा जाता है। इस एवज में हम लोगों ने दो बातें रखने के लिए समाज को एकत्रित किए हैं कि भाई सर्वप्रथम तो इसको समझाया जाएगा समाज में कि आप मतलब ऐसे काम न करें और लाइफ जैकेट की पूरी व्यवस्था करें, और दूसरी बात प्रशासन को ये बताना हम लोग चाहते हैं कि भाई आप जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कहीं बुलाकर मीटिंग के एवज में उसके ऊपर दबाव डालते हैं, ये ना करें। कहाँ दबाव डाला प्रशासन ने, क्या आरोप है आपका, कहाँ दबाव डाला? आरोप यही है कि हम लोग जब प्रशासन से मीटिंग करने जाते हैं तो एक प्रकार का संवाद होता है, लेकिन वहाँ संवाद नहीं, हम लोग के ऊपर ब्लेम किया जाए, आपके नाव को सीज कर देंगे, आपको मारा जाएगा, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बातें कहीं से हम लोग को सहनीय नहीं है। तो ये मांगे हैं और इसके साथ कुछ और भी नाविक है उनसे भी जान लेते हैं। तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, क्या लग रहा है? अरे मांगे पूरी हो जाएगी तो बंद हो जाएगी। मांगे क्या है? हड़ताल ये नहीं है ना, ये नहीं, नौका तो आपने बंद कर रखी है पूरी तरह। माझी समाज जो मैंने है ना तो अपने लिए रखे हम लोग, ये एकता के लिए अपना की सभी लोग जुटे। सांकेतिक हड़ताल हम कह सकते हैं, सांकेतिक तौर हड़ताल है। तो क्या चाहते हैं, जो मांगे आपके अभी साथी बता रहे थे उन्हीं मांगों पर आप लोग भी पूरी तरह से? अच्छा, दिक्कत कहाँ है? प्रशासन कहता है कि आप लाइफ जैकेट अपने यहाँ पे रखें, अपनी नावों पर सुरक्षा को अपनाएं, और आप कहते हैं कि हम इस पर बातचीत करेंगे, आखिर दिक्कत क्या है? दोनों के बीच क्या कुछ कम्युनिकेशन गैप जैसी स्थिति है, आप उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या वो आपसे बातचीत नहीं कर, दिक्कत कहाँ है? इसमें नुकसान कहीं ना कहीं उन पर्यटकों का हो रहा है जो सुबह बनारस को देखने के लिए आते हैं। नुकसान तो ही रहा है, नुकसान हो रहा है, इनका भी नुकसान हो रहा है। हम इन्हीं से जान लेते हैं, नाविकों की इन्हीं इसी नाव संचालन से तो चल रही है। हम जो हमेशा ये प्रयास रहता है
कि हम हमेशा डूबते हुए को बचाते हैं और हमेशा हम लोग हमेशा कोई भी नीतीश इनसे सवाल करें, डूबने की नौबत क्यों आती है? नाव की रख रखाव, लाइफ जैकेट का होना, सुरक्षा सेफ्टी मेजर, ये किसकी जिम्मेदारी है कि आप जाते हो नाव डूबो देते हो, आप जाते हो साथियों को डूबो देते हो? सवाल है, हमारे सवाल है, ऐसी नौबत ही क्यों आती है? जब आप लाइफ जैकेट रखते हैं, जब आप नावों को पूरी तरह से सुरक्षित करके निकलते हैं, तो डूबने की नौबत क्यों? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बोट नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में, आप यहाँ तक कि टाइटेनिक की भी बात कर सकते हैं कि जो डूबने लायक नहीं था वो क्रूज भी डूब जाती है। तो इसमें नाव अगर से कहीं से भी किसी भी कारणवश अगर से क्षतिग्रस्त होकर डूब जाती है, अपने हाथ में जो है वो करना होगा, वो है सुरक्षा, और बाकी मांग क्या है, व्यवहार कैसा है, इसके लिए बातचीत होती या नहीं, ये देखना होगा। शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।